नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सम्मी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। एक तरफा प्यार में पागल सिरफिरे ने किया ट्रिपल मर्डर, पति पत्नी और बेटी की हत्या। परिवार के वैवाहिक समारोह में जाते समय हुई वारदात, तीनों को बांकी से गला रेत कर उतारा मौत के घाट। हत्यारोपी हुआ गिरफ्तार, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने दी जानकारी। सीएम सिटी के डीएम ने दिखाए तेवर तो अधिकारियों की सिट्टी पिट्टी हुई गुम। व्यापारियों ने बजाई तालियां, डीएम ने कहा उनकी पूरी टीम की है उन कार्यालयों पे नजर जहां दलाल हैं सक्रिय, कुछ को भेजा है जेल, जल्द ही कई जाएंगे जेल, मजबूती से लागू कराएंगे जनहित गारंटी अधिनियम। कथित तौर पर अपने आप को एसएसबी का जवान बताने वाला निकला लुटेरा, कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 95,000 रुपए, घटना में प्रयुक्त मोबाइल व मोटरसाइकिल किया बरामद। सीओ कैंट श्याम देवबिंद ने किया खुलासा। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने आगामी त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए शहर के संभ्रांत नागरिकों के साथ की पीस कमेटी की मीटिंग। कहा त्योहार में खलल डालने वालों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्यवाही। अवैध असलहे के दम पर विभिन्न लोगों से लूट करने वाले तीन अभियुक्तों को गुलरिहा पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 देसी तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 1 लूट का मोबाइल व पर्स, 17,250 रुपए नगद किया बरामद। एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। सोमवारी जाम और महानगर को जाम के झाम से मुक्ति दिलाने के लिए लगाए गए आईटीएमएस इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के कंट्रोल रूम का एडीजी जोन अखिल कुमार ने किया औचक निरीक्षण। कहा आईटीएमएस के बारे में लोगों को किया जाए जागरूक ताकि ट्रैफिक नियमों का हो सके पालन। नगर निगम व पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने अपर एसडीएम सदर अनुपम मिश्रा के नेतृत्व में गणेश चौराहा से लेकर विश्वविद्यालय चौराहा तक दुकानों के सामने किए गए अतिक्रमण को अभियान चलाकर करवाया खाली। कहा दोबारा अतिक्रमण करने वाले दुकानदार के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्यवाही। ग्यारहवीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एवं डीडीएमए के संयुक्त तत्वाधान में राप्ती नदी के तट पर एक दिवसीय बाढ़ आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यशाला का किया गया आयोजन। आपदा सखी एवं आपदा मित्रों को किया गया प्रशिक्षित। कहा संबंधित सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करें तो परिणाम होगा अच्छा। व्यापारी बंधुओं के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कलेक्ट्रेट सभागार में की बैठक। जाना व्यापारियों से उनकी और महानगर की समस्याओं को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड में गोरखपुर को पूरे यूपी में मिला दूसरा स्थान। सीएमओ ने कहा प्रयास रहेगा कि अगले माह जनपद आए प्रथम स्थान पर। नागरिक सुरक्षा कोर के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कलेक्ट्रेट सभागार में की बैठक। कहा 29 अप्रैल को ब्लैक आउट मॉक ड्रिल का आयोजन कर किया जाएगा युद्ध अभ्यास। और 25 अप्रैल से आईसीएसई एवं सीबीएसई बोर्ड की क्लास 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं हुई शुरू। परीक्षार्थी छात्राओं ने कहा नहीं करना पड़ा किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना, पेपर हुआ बहुत ही अच्छा। खोरावार के रायगंज निवासी गामा निषाद विदेश में रहते थे। 2 महीने पहले घर आए थे। उन्होंने गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बंगला चौराहे पर अपना मकान बनवाया है। वहीं पर पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। गामा के छोटे भाई रामा की बेटी की शादी तय है। सोमवार की रात में मटकुड़वा का कार्यक्रम था। गामा अपने नए मकान से अपनी पत्नी 38 वर्षीय संजू और बेटी 22 वर्षीय प्रीति के साथ पैदल जा रहे थे कि रास्ते में घात लगाकर बैठे बदमाश ने धारदार हथियार से तीनों पर हमला कर उनका गला रेत दिया।
तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने शव को देखकर शोर मचाया, जिसके बाद गांव के लोगों को जानकारी हुई और लोगों ने पुलिस को खबर दी। तीन लोगों की हत्या की सूचना के बाद एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा, एडीजी अखिल कुमार, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, सीओ कैंट श्यामदेव बिंद भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। शव को वहां से हटाने के साथ ही गांव में भारी संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई है। गामा और पत्नी तथा बेटी की हत्या क्यों हुई और किसने की, अभी कयास लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों के साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। गामा निषाद तीन भाइयों में सबसे बड़े थे। दूसरे नंबर के भाई रामा हैं तो सबसे छोटे सरविंद। अन्य दोनों भाई अपने पुश्तैनी मकान में ही रहते हैं। गामा के तीन बच्चे थे। सबसे बड़ा सुग्रीव है जो कि बाहर रहकर कमाता है। बेटी प्रीति है जिसकी हत्या हो चुकी है। छोटा बेटा अच्छेलाल है, वह माँ बाप के साथ नहीं निकला था इसलिए उसकी जान बच गई है। घटना के बारे में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि 22 वर्षीय प्रीति के एक तरफा प्यार में पागल आलोक पासवान ने अपने प्यार का इजहार प्रीति से किया था, लेकिन प्रीति के मना करने पर आलोक पासवान ने इस जघन्य घटना को अंजाम दिया है। पुलिस आलोक पासवान को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ कर रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, क्षेत्र पड़ता है खोराबार थाने का, जिसमें कि आज पुलिस को सूचना मिली एक पति पत्नी और इनकी बच्ची की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है, जिस पर तत्काल पुलिस बल पहुंचा। वरिष्ठ अधिकारीगण स्वयं में एसएसपी और एडी महोदय पहुंचे और इसमें पुलिस ने जो अभियुक्त है मुख्य अभियुक्त उसे गिरफ्तार कर लिया है। एक ही अभियुक्त इस घटना में बताया जा रहा है, अभी उसे गिरफ्तार किया गया है और आलोक पासवान नाम के इस अभियुक्त को पूछताछ के लिए अभी पूछताछ की जा रही है। इसमें अभी तक ये सामने आया है कि इस अभियुक्त का जो मृतक बालिका है, लड़की है 22 वर्षीय करीब, उसके साथ प्रेम प्रसंग का इसने प्रयास किया था, जिसमें कि लड़की के द्वारा मना करने पर अभियुक्त द्वारा ये घटना कारित की गई है। और इसमें मौके पर फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट की टीम आई है और तमाम साक्ष्य संकलन कर इसमें आगे कार्यवाही की जा रही है। सीएम सिटी के डीएम विजय किरण आनंद ने सख्त तेवर दिखाए तो बैठक में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वहीं बैठक में मौजूद व्यापारियों ने ताली बजाकर डीएम विजय किरण आनंद की सराहना किया। डीएम ने कहा कि उनकी पूरी कॉर टीम की उन कार्यालयों पर नजर है जहां दलाल सक्रिय हैं। चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ को जेल भेजा गया है, जल्द ही कईयों को जेल भेजेंगे और पूरी ताकत से जनहित गारंटी अधिनियम को लागू कराएंगे। पूरा मामला व्यापारी बंधुओं के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद कलेक्ट्रेट के सभागार में मासिक बैठक के दौरान व्यापारियों और महानगर की समस्या के दौरान हुआ। जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि देश के सभी प्रदेश में प्रतिस्पर्धा है कि कोई भी उद्यमी छोटा या बड़ा उद्योग लगाना चाहता है तो सभी प्रदेश अपने अपने यहाँ उद्यमी लगाने के लिए बुला रहे हैं। व्यापारियों को अपने यहाँ रोजगार लगाने के लिए न्योता देना पड़ता है। डीएम ने बैठक में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों से समस्याओं के निराकरण पर सवाल किया तो सभी सन्न हो गए और बगलें झांकने लगे। इस पर उन्होंने कहा, यहाँ पर कार्यालयों में घूसखोरी की माफियागिरी नहीं चलेगी। जिस तरह से कुछ लोग जेल गए हैं, बाकी लोग भी जेल जाएंगे। कौन से कार्यालय में दलाल सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं और किस कार्यालय में नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और व्यापारियों को पॉलिसी के आधार पर सेवाएं नहीं मिल रही हैं, उन सभी पर उनकी पूरी कोर टीम की नजर है और कठोर कार्यवाही करेंगे। इस पर बैठक में मौजूद व्यापारियों ने ताली बजाकर डीएम विजय किरण आनंद का अभिवादन किया। डीएम ने कहा कि इसीलिए हमारा प्रयास है कि शासन द्वारा लागू जनहित गारंटी अधिनियम की सारी सेवाएं सभी व्यापारियों और नागरिकों को उपलब्ध हों। समस्या में पता है, सभी प्रदेशों में प्रतिस्पर्धा है कि कोई भी छोटा उद्यमी हो बड़ा उद्यमी लगाना चाहते हैं, न्योता देना पड़ता है। उसके लिए पहले तो मत स्थिर करना पड़ता है, भावना सही रहनी पड़ती है, बाद में बाकी सारा काम होता है। किसी में है माफिया भी नहीं चलेगी यहाँ पे, जैसे अभी कुछ लोग गए जेल, सब जाएंगे जेल। सूचना अपनी सूचना कर रहा हूँ कि कहाँ कार्यालय में दलाल चल रहे हैं, कहाँ कार्यालय में परेशान किया जा रहा है, सम्मान में कमी छोड़ी जा रही है, कहाँ व्यापारी उद्यमियों को जो पॉलिसी है उसके आधार पर सेवाएं नहीं मिल रही है।
जहां जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सेवा नहीं मिल रही है, ये मुझे जानना है। हमारी टीम कोर टीम जो है तत्पर है, कटबद्ध है। कैंट पुलिस ने लूट करने वाले कथित तौर पर अपने आप को एसएसबी का जवान बताने वाले को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में सीओ कैंट श्याम देवबिंद ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को रीजनल स्टेडियम के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान मारुति नंदन पुत्र दाताराम चौहान निवासी मोहरीपुर चौहान टौला थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। सीओ कैंट श्याम देवबिंद ने बताया कि कैंट पुलिस ने बताया कि 4 अप्रैल की शाम में रुस्तमपुर के पास से वादी मुकदमा से 2 मोटरसाइकिल सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पैसों से भरा बैग लूट लिया गया था, जिसमें कुल 4,60,000 रुपए थे। उक्त लूट की घटना के संबंध में आवेदक शैलेंद्र कुमार मिश्र के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कैंट पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। 24 अप्रैल को अभियुक्त अजीत मिश्रा उर्फ सोनू बाबा पुत्र शंभू मिश्रा निवासी सिधवाना थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर व मनोज चौहान पुत्र दूधनाथ चौहान निवासी मोहरीपुर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को थाना रामगढ़ताल गोरखपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार करते हुए उक्त लूट से संबंधित 1,42,000 रुपए बरामद किया गया था एवं पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा घटना में शामिल अन्य साथियों का नाम बताया गया था, जिस पर थाना कैंट पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर घटना में शामिल वांछित अभियुक्त मारुति नंदन पुत्र दाताराम चौहान निवासी मोहरीपुर चौहान टोला थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से कब्जे से लूट के 95,000 रुपए व घटना में प्रयुक्त मोबाइल एक मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। सीओ कैंट ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह जम्मू में एसएसबी में प्राइवेट तौर पर खाना बनाने का काम करता है और वह अपने साथियों के बताने के अनुसार अपने गाँव भाग आता है, अपने गाँव के दोस्तों के साथ मिलकर अपने दोस्त मनोज चौहान के बताए हुए व्यक्ति को टारगेट करके उसके पीछे अपनी मोटरसाइकिल से लग जाता है और अपने साथियों को उसका लोकेशन बताता रहता है एवं टारगेट किए गए व्यक्ति के रुकने व सुनसान स्थानों पर अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की घटना कारित किया जाता है। इसी प्रकार 4 अप्रैल को अभियुक्त मारुति नंदन ने अपने मित्र मनोज चौहान द्वारा बताए हुए व्यक्ति का पीछा किया एवं रुस्तमपुर ढाले के पास सुनसान व सही समय को देखकर अपने साथियों मनोज साहनी उर्फ टमाटर पुत्र विदेशी निवासी केवटहिया नकहा नंबर 1 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर सुनील चौहान उर्फ बहादुर पुत्र श्रीराम चौहान मनोज साहनी पुत्र देवमुनि साहनी राजकुमार पुत्र रामलोट चौहान वीरेंद्र कसौधन पुत्र स्वर्गीय ठाकुर कसौधन मनोज चौहान पुत्र दूधनाथ चौहान निवासी गढ़ मोहरीपुर थाना चिलुआताल गोरखपुर तथा अजीत मिश्र उर्फ सोनू बाबा पुत्र शंभू मिश्रा निवासी सिधवाना थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर के साथ मिलकर उस व्यक्ति से 4,60,000 रुपए लूट लिया गया था। इन लोगों द्वारा लूट में मिले पैसों को अपने अपने काम के अनुसार आपस में बांट लिया जाता है। सीओ कैंट श्याम देवबिंद ने बताया कि अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है, जिनका जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, निरीक्षक सुनील कुमार पटेल, उप निरीक्षक अरुण कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल रियाज अहमद, कांस्टेबल प्रेम बहादुर सिंह, हेड कांस्टेबल लक्ष्मीकांत तिवारी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट श्याम देवबिंद ने कहा, ये रुस्तमपुर ढाला थाना कैंट पर इसी अप्रैल महीने में एक बड़ी लूट की घटना हुई थी, जिसमें 4,60,000 रुपए लूटा गया था। उसी में शामिल दो लुटेरे
जो कल रामगढ़ ताल में पुलिस मुठभेड़ में जो है कि घायल हुए थे, उनसे पूछताछ में वो घटना के बारे में पता चला, जिसमें एक शामिल एक अन्य अभियुक्त मारुति नंदन जो थाना चिलुआ ताल के मोहरीपुर का रहने वाला है, उसे कैंट पुलिस ने आज रात्रि में गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लूट के 95,000 रुपये बरामद हुए हैं। और उस लूट की घटना में जिस मोबाइल का इस्तेमाल हुआ था, वो मोबाइल बरामद हुआ है और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये अभी जो प्राथमिक जानकारी आई है, पूछताछ में पता चला है ये एसएसबी में हवलदार के पद पर जम्मू कश्मीर में तैनात है। ये छुट्टी पर घर आया था और इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये लूट की घटना को अंजाम दिया था। अब पूछताछ में इसने अपनी गलती स्वीकार की है कि मुझसे गलती हुई और मैं जो है कि उनके बहकावे में बहक गया था और इस लूट की घटना में शामिल होना स्वीकार किया है। ये तो अभी एक ही घटना में शामिल था, इसने एक ही घटना में शामिल होना स्वीकार किया है और पूछताछ की जा रही है। पैसे कमाना ही मकसद था। पूछताछ में इसने बताया इसे पैसों की और ज़रूरत थी, इसलिए इसने जो है किस तरह की घटना को अंजाम दिया। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने आगामी त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए सोमवार को एनएक्सी भवन के सभागार में पीस कमेटी की मीटिंग की, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि ईद, रमजान, अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती सहित अन्य त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसएसपी व पीस कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की गई है और सभी वर्ग के लोगों के सहयोग से मांगा गया, जिस पर सभी वर्ग के लोगों ने आश्वस्त किया कि शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार को मनाया जाएगा और लोगों के द्वारा जो भी समस्याएं बताई गई हैं उसको नोट कर लिया गया है। त्योहार से पहले वहां पर साफ सफाई कर दी जाएगी, जिससे कि शांतिपूर्वक त्योहार को सकुशल संपन्न कराया जा सके। वहीं इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा कि आगामी त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए शहर के संभ्रांत नागरिकों के साथ पीस कमेटी की मीटिंग की गई, जिसमें शासन के द्वारा जारी निर्देशों को लोगों को बताया गया। इसके साथ ही अन्य विभाग की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। मीटिंग में प्रतिभाग करने वाले संभ्रांत व्यक्तियों से सुझाव भी मांगा गया तथा उनके द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव भी मिले हैं, जिस पर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही पुलिस के अधिकारियों को थाना स्तर पर पीस कमेटी की मीटिंग से अनिवार्य रूप से आयोजित करने एवं अवैध शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने के लिए निर्देशित किया गया। जनपद में त्योहारों के दौरान उपद्रव करने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट, भ्रामक व अफवाह पोस्ट करेगा, उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल, भानु प्रकाश मिश्रा, नगर निगम के उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा, दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्रनाथ दुबे, हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के संरक्षक शाकिर अली सलमानी, समाज सेवी आदिल अमीन, शिव राष्ट्र सेना के प्रमुख रितेश आल्हा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, आज की इस मीटिंग में अवकाश, जैसा कि आप सभी अवगत है, यह मीटिंग आगामी जो महत्वपूर्ण त्यौहार आ रहे हैं और इसके बाद अक्षय तृतीया, ईद कभी महत्वपूर्ण त्यौहार है, धन्यवाद। और हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता है कि दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ के कुशल संचालन के लिए हमारे जिलाधिकारी महोदय को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों सम्मान मिला है। जिलाधिकारी महोदय को बहुत बधाई देता हूँ। और इस सभा में एसएसपी श्री विपिन टांडा जी, जिनके पिता है, उसके बाद अभी हम लोगों ने नवरात्र मनाया है, रामनवमी मनाई है, रमजान मनाई है और कुशल संचालन में गोरखपुर की जगह है, उसके लिए गोरखपुर की आम जनता और पुलिस प्रशासन और यहाँ की शासन प्रशासन को मैं बधाई देता हूँ। और यहाँ हमारे सामने जो लोग उपस्थित हैं, इसमें मैं देख रहा हूँ कि आदरणीय पी के मल साहब हैं,
ऋषि मोहन वर्मा जी हैं और कई लोग गणमान्य लोग आए हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। का आयोजन इसी शांति और सद्भाव को लेकर है और यही हमारी गोरखपुर की पहचान है और माननीय मुख्यमंत्री की भी यही मंशा है। धन्यवाद मित्रों, आगे का संचालन जिलाधिकारी महोदय के हिसाब से होगा। क्योंकि आगामी त्योहार सामने है और हम सभी लोगों को मिलजुल के उस त्योहार को मनाना है, तो जो भी ये लोग चाहें करना चाहूंगा और आगामी त्योहारों के लिए अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा आपको और पूरे आप लोगों की आत्मीयता और जो विश्वास हमको निरंतर उत्साहित करती रहती है, पूरी टीम को करती रहती है। अभी आपके साथ विभिन्न आयोजन, विभिन्न प्रबंधन, विभिन्न चुनौतियों का साथ हम लोगों ने जो समय बिताया है, मेरे द्वारा कपन साहब हम दोनों अभी भी नए हैं, 8 महीने ही मेरे को हुआ है और हमारी पूरी टीम को जो आप लोगों ने सहयोग दिया है, चाहे वो विधानसभा चुनाव में हो, पर्व में हो या विभिन्न जुलूस आयोजनों में हो, उसके लिए हम सभी बहुत आभारी हैं और बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। और इसीलिए हमें ये एहसास होता है जिम्मेदारी की 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है, 24 घंटे काम करें देख रहे हैं शासन के निर्देशों के क्रम में गोरखपुर को एक आदर्श शहर के रूप में विकसित करके आप एक उदाहरण नजीर बनाने पूरे देश के और इसी ओर अग्रसर हो रहा है हमारा जनपद, हमारा शहर। जैसे आप देख रहे हैं विकास के नए आयाम को प्राप्त कर रहा है। अभी शहर में गोरदलिया नाले की सफाई हो रही है, जिससे 60-70% हमारी जल निकासी उसी नाले के माध्यम से हो रहा है, उसको अभी सफाई हो रही है, उसके बाद उसकी उसका सुदृढ़ीकरण और उसको स्थायी रूप से पक्का निर्माण करने का काम हो रहा है। उसमें विभिन्न उपलब्धियां और स्थापना सहित यूटिलिटीज को सज्जित करने के लिए भी हम लोगों ने कवायद उठाई है और शासन द्वारा उसमें हमें गाइड करके उसको करवाया जा रहा है। साथ ही विभिन्न जल निकासी की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने सम्मानित पार्षदों के नगर निगम के सहयोग से ये कार्य पूर्ण किया जा रहा है, उनकी निगरानी भी हो रहा है, ये बहुत उपलब्धि हो रही है। सभी सड़कों का सुदृढ़ीकरण और विस्तारीकरण जो हो रहा है, चाहे वो देव बजपास रोड हो, नौसर पेंडेगंज रोड हो, चाहे वो अलगवा का जो पुल बन रहा है, जो नखा में पुल बन रहा है, जो अभी महाराजगंज रोड देवरिया रोड पे सड़क का काम लगभग अभी 2-3 महीने में पूर्ण हो जाएगा, इन सब में जो सहयोग मिल रहा है, जन सामान्य के प्रतिभागिता जो मिल रही है, बढ़ चढ़ कर सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं, उसके लिए हम तहे दिल से आभारी हैं। और ये दर्शाता है कि गोरखपुर के आम नागरिक क्या सोचता है, क्या सपना दिखता है और साथ साथ अपने शहर को किस दिशा में लेके जाना चाहता है। इसीलिए मुझे विश्वास है कि आगामी त्योहारों में जो यहाँ की तहजीब है, यहाँ की परंपरा है कि सभी समुदाय सभी साथ मिलकर भाईचारे के साथ सद्भाव के साथ सभी आयोजनों को संयुक्त रूप से उसको निभाते हैं, उसको आयोजन कराते हैं और एक दूसरे का सहयोग करके एक दूसरे की परंपराओं में गर्व महसूस करते हैं। इसी परंपराओं को आप बरकरार रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे और व्यवस्थित और सदृढ़ बनाएंगे, इसी कामना के साथ मैं आपको आग्रह करूंगा। मैं विशेष रूप से नगर निगम की टीम से अपेक्षा करूंगा, जहाँ अलविदा की नमाज हो या अभी अगले ईद के त्यौहार हो, रमजान, सभी में जहाँ जहाँ आयोजन होने वाले हैं, जो सूची अभी हमारे सभी थानों से एकत्रित हुई है, वहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था, सड़कों में अवस्थापनाओं की व्यवस्था या लाइटिंग की व्यवस्था को सुदृढ़ कर दें किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो रही है अभी कि शहर में हम सभी एक बड़ी निविदा को आमंत्रित किए हैं, जहाँ पे डोर टू डोर कलेक्शन पूरे शहर का होने वाला है। और हमारे आप सोचिए, सुबह सुबह आप में से सभी लोग अपने शहर को
सबसे स्वच्छ शहर देखना चाहते ही नहीं जाते, कितने लोग देखना चाहते हैं। तो इसमें सिर्फ नगर निगम या प्रशासन इसमें मुहिम छेड़ेगा तो काफी नहीं होगा, सबको मिलजुल कर इसमें हमारे शहर को नंबर वन अग्रणी जनपद के रूप में लेके आना है, शहर को लेकर आना है। ईद की नमाज वहाँ होती है। पिछले साल सर बहरामपुर ईदगाह पर जो है नमाज के बीच से कुत्ते दौड़ गए। खैर वहाँ हम लोग पहले से नमाज कहीं और पढ़ के उसके लगे हुए थे, किसी तरह का वहाँ अफवाह और भगदड़ नहीं होने दिए। और वहाँ रास्ता जैसे 25 फीट का है सर रोड, उस 25 फीट को अतिक्रमण कर कर इस समय 10 फीट का रोड है। कब्रिस्तान से लगा हुआ और ईदगाह गेट तक टोटल दोनों तरफ अतिक्रमण कर लिया गया है। दोनों तरफ गुंडियां और अपने दुकानें और लकड़ी के मार्केट लगा कर वहाँ एकदम रोड को जाम कर दिए। एक गाड़ी ठीक से नहीं निकल पाती है सर। और नमाज वहाँ लगभग 40,000 से 50,000 आदमी नमाज पढ़ते हैं एक साथ। रोड आमना इंटर कॉलेज से लेकर और बाले मियाँ का मैदान तक रोड एकदम क्षतिग्रस्त है और गड्ढा एकदम मतलब समझ लीजिए 1.5-2 फीट गड्ढे हैं। कभी भी बड़े हादसे वहाँ हो सकते हैं। मैं होली में भी उस रोड को बताया था सर, लेकिन उस पर गिट्टी भी डालकर बराबर तक नहीं हुआ है अभी तक। आज हम लोग यहाँ सद्भाव किस तरह बने आगामी जो त्यौहार हम लोग के सामने है उस पर चर्चा करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है कि उनकी जो समस्याएं हैं चाहे आवारा पशु की या नाली की या सड़क की, वो बाद में उस पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा कर सकते हैं या अपने अधिकारियों को लिखित रूप से देके उस पर अपना कार्य कर सकते हैं। आज हमें विचार ये करना है कि किस तरह से आगामी जो हम लोग के सामने त्यौहार है उसे शांतिपूर्वक किस तरह से किया जाए। अभी हमसे पहले कुछ वक्ताओं ने कहा, मुर्तुजा भाई ने भी कहा कि फ्लैग मार्च की जरूरत है जिससे जो डरे सहमे लोग हैं उनके अंदर से डर निकल जाए। मुझे तो नहीं लगता कि गोरखपुर में कोई डरा हुआ है या कोई सहमा हुआ है इस तरह का। फ्लैग मार्च जरूरी है और ये पिछले मैं लगभग 25-30 सालों से राजनीति में हूँ तो मैं तो लगातार देख रहा हूँ कि हर त्यौहार में फ्लैग मार्च होता है, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो फ्लैग मार्च तो होता है। लेकिन हमें नहीं लगता कि गोरखपुर में इस समय किसी के अंदर डर का माहौल है। तो मेरा पहले सबसे सुझाव यह है अपने आप को हम उनको सुधारने की जरूरत है। हम अपने लोगों के बीच में से ये चिन्हित करें कि कौन लोग ऐसे असामाजिक हैं जो माहौल को खराब करने का काम करते हैं। उन्हें चिन्हित करके यदि हम प्रशासन को बताएंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। कि मैं दो शब्द कहूँगा, यहाँ उपस्थित हमारे गणमान्य नागरिकगण, डीएम साहब, एडीएम साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, सीओ एलआईओ साहब, मेरे साथी पुलिसगण, मीडिया बंधु, मैं बहुत मैं और डीएम साहब दोनों बहुत आभारी हैं कि आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में सभी मौजूद लोग शहर के कोने कोने से विभिन्न संगठनों से आप यहाँ से मेरी तरफ से आप हमारी तरफ से जब देखेंगे तो बड़ा अच्छा नजारा नजर आ रहा है। हर रंग हर वर्ग के लोग यहाँ से नजर आ रहे हैं। तो वाकई में लग रहा है कि आज जो मीटिंग में गोरखपुर जनपद के लोग आए हैं तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सभी लोग आए। मैं और डीएम साहब दोनों आभारी हैं क्योंकि पिछली मीटिंग में हमने तय किया था कि अगली मीटिंग जो भी होगी उसमें सभी लोगों को बुलवाया जाए और विशेष अनुग्रह करके बुलवाया जाए। आप समय निकाल के आए, हम लोग बहुत आभारी हैं आपके। यहाँ जिनको बोलने का मौका मिला अच्छी बात है, आप बोले अपने मन की बात। जिनको नहीं मिला वो भी मान के चले, आपकी मौजूदगी मात्र से इस मीटिंग का लेवल बढ़ गया है। जैसे गांधी जी अगर थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में भी चलते थे तो फर्स्ट क्लास के बराबर होता था। तो ये मीटिंग में आप आकर बैठे, इसी से हमारा हौसला बढ़ गया, हमारी ताकत जो है वो दुगनी चौगुनी हो गई, हमारा काम करने का जज्बा जो है वो दुगना तिगुना हो गया है। हम बहुत आभारी हैं आपके। कुछ मुझे खुशी हुई, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बताई हैं, समस्याएं रखी, सुझाव दिए हैं, तो उन कुछ बिंदुओं पर मैं भी कुछ अपने मत प्रकट करना चाहूंगा। एक तो चाहे कोई भी त्यौहार हो, कोई भी बात हो, ये बात होली पर भी हुई थी, ईद पर भी होगी, आगे आने वाले जितने त्यौहार हैं हर त्यौहार पर होगी, जो प्रशासन की तरफ से नियम तय होंगे सारी कार्यवाही उसी के अनुरूप होगी। आप कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में ना ले, सभी नियम समान है सबके लिए। जो निर्देश आएंगे जैसा पूरे प्रदेश में होगा
वैसी व्यवस्था यहाँ पर होगी, कोई किसी के लिए अलग नहीं, तुच्छ भी नहीं होगा, जो समान है वो सब समान है, कानून की नजरों में सब एक जैसे है। दूसरा, कोई किसी बात को लेकर अगर अफवाह फैलाता है तो कृपया आप हमसे स्पष्टीकरण लें। मैं और डीएम साहब, हमारी पूरी टीम यहाँ जो मौजूद है आपके सामने 24 घंटे उपलब्ध है। आपको कोई समस्या होती है, कोई सुझाव है आपका, कोई आपको संशय है, आप हमको फोन करें, हमसे मिलें, हमसे बताएं, हम हर समस्या का उपाय समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। विशेष रूप से दो लोगों को मैं आपसे परिचय करवाना चाहूँगा। एक अभिनव जी है हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब, जो काफी एक्टिव है, सिटी की पूरी कानून व्यवस्था सिटी मजिस्ट्रेट साहब प्रशासन की ओर से देखते हैं। और दूसरे हमारे सीईओ एलआईओ है अभिषेक राहुल जी, जो उस तरफ है और ये एलआईओ का हमारी पूरी व्यवस्था देखते हैं। यदि कहीं आपको कोई सूचना देनी हो, कोई समस्या आती है, आप कृपया इंदौर से संपर्क करें। मुझे और डीएम साहब को, एडीएम साहब को सभी बात जानते हैं, तो किसी से भी कोई भी बात पूछे, कोई भी बयान, कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट आता है, पहला तो गैर जिम्मेदारी पूर्वक कोई देना, लेकिन प्रभु ने सबको समझदार बनाया है, सब लोग मुंह से खाना खाते हैं, कोई भी काम से खाना नहीं खाता। कोई पैदा हुआ है, किसी ने किसी बच्चे को समझाया कि बेटा कान से दूध नहीं पीना है, मुंह से पीना है, सबको पता है, तो भगवान ने सबको समझ दी है, सबको पता है क्या करना है। जो बयान देता भी है उसको भी पता है कि मैं क्यों बयान देता हूँ, कोई फेसबुक पे पोस्ट करता भी है तो उसको पता है कि मैं क्यों पोस्ट कर रहा हूँ। हर व्यक्ति समझदार है, अपनी जिम्मेदारी स्वयं ले, वो नहीं ले पाता तो परिवार ले, परिवार नहीं ले पाता तो समाज ले, और समाज भी नहीं ले पाएगा तो फिर पुलिस उसकी जिम्मेदारी लेगी और पुलिस ईद, रमज़ान, अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती, इन त्योहारों के लिए जिला प्रशासन द्वारा मेरे और पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में आज बैठक की गई, शांति सद्भावना की बैठक की गई और सभी से सहयोग मांगा गया। सभी ने आश्वस्त किया कि यहां पे सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहारों को संपन्न कराया जाएगा। जितनी भी समस्याएँ या आयोजनों के लिए सफाई और अवस्थापनाओं के बारे में बताई गई है उसको सूचीबद्ध कर लिया गया, उसको मिशन मोड पे आप काम करा के पूरा किया जाएगा। भव्य आयोजनें होंगी और अच्छी व्यवस्था के साथ, शांति व्यवस्था के साथ पुलिस प्रशासन द्वारा जन सहयोग से इसको संपन्न कराया जाएगा। हमने अनुरोध किया कि अगर कोई असामाजिक तत्व इसमें सक्रिय काम करता है तो आप उनकी सूचना दे दीजिए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आप लिखे तो आज रमज़ान, ईद और परशुराम जयंती के संबंध में मेरे और डीएम साहब के द्वारा शहर के संभ्रांत नागरिकों की मीटिंग की गई, जिसमें कि त्यौहार में किस प्रकार त्यौहार मनाना है, क्या दिशा निर्देश हैं, फोर्स की क्या व्यवस्था रहेगी, अन्य विभागों की क्या तैयारी है, सब चीज़ों के बारे में चर्चा की गई, विचार विमर्श किया गया और सभी त्यौहार पूर्ण सकुशलता के साथ, शांति व्यवस्था के साथ संपन्न करवाए जाएंगे, ये सभी को बताया गया और सबके विचार विमर्श लिए गए। गुलरिहा पुलिस ने लूट करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को गुलरिहा बाजार नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान मन्नू उर्फ विदुर पुत्र पन्नेलाल निवासी छोटी रेतवहिया जंगल धूसर थाना पिपराइच गोरखपुर, दूसरा झीनक पुत्र रामजन निषाद निवासी हसनगंज जंगल धूसर थाना पिपराइच गोरखपुर, तीसरा शिव कुमार गुप्ता उर्फ गोलू पुत्र दीनानाथ गुप्ता निवासी मंझरिया जंगल धूसर थाना पिपराइच गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि 24 अप्रैल को आवेदिका अपने देवर के साथ करीब 9 बजे रात्रि को मोटरसाइकिल से पीजीआई लखनऊ डॉक्टर को दिखाने हेतु जाने के लिए रोडवेज बस स्टैंड गोरखपुर जा रहे थे कि बरगदही केवटान टोला के पास सड़क पर एक मोटरसाइकिल सफेद रंग से 3 व्यक्ति, जिनके द्वारा आवेदिका का पर्स जो कि एप्पल कंपनी का मोबाइल, 8,000 रुपए तथा दवा की पर्ची थी, अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लूट लिया गया, जिससे आवेदिका सड़क पर गिर पड़ी, जिसके संबंध में थाना गुलरिहा में मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसको देखते हुए हर मुखबिर की सूचना पर गुलरिहा बाजार नहर पुलिया के पास मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किए। इतने में 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल छोड़कर भागने का प्रयास करने लगे कि पुलिस द्वारा घेराबंदी कर 3 व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लेते हुए पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि साहब, हम 3 लोग मिलकर आने जाने वाले राहगीरों से लूटपाट व छिनैती का काम करते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए देसी तमंचे का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग दिनांक 20 अप्रैल को रात्रि 9 बजे बरगदही बाजार में अपने साथियों के साथ एक महिला
पुरुष जो मोटरसाइकिल से गोरखपुर की तरफ जा रहे थे तथा बुर्का पहनी थी, जो अपने कंधे में काला बैग लटकाई थी जिससे हमने छीना था। बैग के छीनते समय महिला मोटरसाइकिल से रोड पर गिर गई थी। उस बैग से एक मोबाइल व 8000 रुपया मिला था तथा दिनांक 13 अप्रैल को दोपहर करीब 1 बजे के आसपास कोल्हा पेट्रोल पंप के आगे फुलवरिया गाँव के पास एक साइकिल सवार से हम दोनों लोगों ने 20000 रुपये लूटा था तथा दिनांक 6 अप्रैल को शाम 4 बजे बरगदही बाजार से ही एक महिला से गले की चैन छीन लिए थे, जिसको नेपाल ले जाकर 10000 रुपये में बेचे थे। जिनके पास से एक देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक मोबाइल लूट का 8250 रुपये नगद बरामद किया गया। एसपी नॉर्थ ने बताया कि तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में अमित कुमार दुबे, भटट चौकी प्रभारी रूपेश कुमार पाल, उपनिरीक्षक अमित राय, दीन बंधु प्रसाद, हेड कांस्टेबल संजय कुमार, कांस्टेबल दीपू प्रसाद, आशीष सिंह, वीरेंद्र सिंह यादव, विश्वजीत सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, सबसे कर लोकेशन पर पहुँच गए थे। ये दिनांक 20 अप्रैल को आवेदक सुलेमान अपनी भाभी के साथ मोटरसाइकिल से बस स्टैंड जा रहा था। वहीं रास्ते में तीन व्यक्तियों द्वारा, जो कि सफ़ेद अपाची पर सवार थे, उसका बैग और एप्पल फ़ोन आईफोन छीन लिया गया। इस पर प्रभारी निरीक्षक गुलरिया ने टीम बना करके और जांच पड़ताल शुरू की, जिसमें तीन व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। एक मुन्नू, दूसरा झीनक और तीसरा गोलू, ये तीनों पुराने लुटेरे हैं और इनका लंबा आपराधिक इतिहास है। इन तीनों को गिरफ्तार करके और जेल भेजा गया है। मोबाइल फ़ोन और उसके कागज बरामद किए गए हैं, साथ में नगद पैसा भी बरामद किया गया है। इन तीनों अभियुक्तों को जेल भेजा जाएगा और इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई भी भविष्य में की जाएगी। किस तरह से घटना को अंजाम देते हैं? ये अपनी मोटरसाइकिल से, बाइक से, जो अच्छी बाइक, एक तो अपाची या पल्सर का इस्तेमाल करते थे, और रास्ते में जो भी इस तरह सुनसान में कोई महिला या व्यक्ति दिखता था उससे छिनैती कर लेते। मुन्नू इसका मास्टरमाइंड है, जो पशु तस्करी में भी लिप्त रहा है। ये लूट का ही अभ्यस्त अपराधी हैं लूट के, और जो इसमें मुन्नू है वो पशु तस्करी में भी जेल गया है। सोमवार को सोमवारी जाम और महानगर को जाम की झाम से मुक्ति दिलाने व महानगर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए नगर निगम में लगाए गए ITMS इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के कंट्रोल रूम का ADG जोन अखिल कुमार ने औचक निरीक्षण किया, जिसके संबंध में ADG जोन अखिल कुमार ने बताया कि गोरखपुर एक महत्वपूर्ण शहर है। जिस तरह से जनपद में बदलाव आ रहा है, बदलाव इसी प्रकार ट्रैफिक व्यवस्था से लोगों को सामना करना पड़ रहा है। लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। इन सभी विषयों पर निरीक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि महानगर के
21 चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे चौराहे पर कोई भी आदमी रेड लाइट को पार करता है तो उनके खिलाफ ऑटोमेटिक चालान कटेगा। ट्रैफिक नियंत्रण के लिए रेगुलर प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ITMS के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाएं ताकि ट्रैफिक नियमों का पालन हो सके। निरीक्षण के दौरान SP ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह, CO कोतवाली विमल कुमार सिंह, ट्रैफिक इंस्पेक्टर मनोज राय, ITMS के अधिकारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADG जोन अखिल कुमार ने कहा, ये आप दे देना, मीडिया को भी रिलीज कर देना कि वहाँ चेक किया गया। ये हमें जॉमन थामस साहब को अखबार से पता लग जाएगा कि जंप किए हैं अभी तो उनको चार दिन बाद। अच्छा, अब ये चालान आपने कट दिया, अब हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे खिलाफ चालान हो गया? मैं इसलिए RTO ऑफिस की जिम्मेदारी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो नंबर सिंकिंग और मैसेजिंग सही ढंग से होगा। सर वहाँ भी जैसे बात है 19 से पहले के कुछ डिटेल, 19 के पहले के अलावा बाद में भी वहाँ पे फ्रॉड ये चल रहा है, जगह है उसमें 2-4% हर जगह है। अब आपको जो मेजर चीज करानी है सर, मेरा ध्यान सुनिए सर, कितनी समस्या है। 17 चालान करते हैं सर, 17 चालान कर किए, एक मैच्योर हुआ सर। या नहीं सारे फ्रॉड होंगे या अपडेटेड डेटा नहीं है? तो इसमें इम्पोर्टेंट नेक्स्ट ये हो जाता है, एक तो वो डेटा सिंकिंग, दूसरा ये कि जिन लोगों का चालान गया उन लोगों का कोर्ट से नोटिसेस पहुंचे, कोर्ट से नोटिसेस निकलवा के अभियान चलाना पड़ेगा कुछ दिन तक, तभी उनको एहसास होगा कि वॉलेट किए। फिर मैंने बोला छोड़ो देखा जाएगा नोट, है ना, किसी साहब ने समझ वकील साहब ने समझा दिया कि हम देख लेंगे, तो फिर अपना बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही नोटिस आएगा भागेगा शरीफ आदमी। जो लिमिटेशन है उनको दूर करने पड़ेगा। गड़बड़ी वाला मामला जो बता रहे हैं उस वक्त आपको बता देता है कि ये गाड़ी नहीं है, चालान कटना शुरू था उस नंबर का, बिना देखे कौन सी गाड़ी कैसा है, तब गलत त्रुटि जाती है। इसमें आपको दिख रही है कौन से नंबर की गाड़ी की चौराहे पर जा रही है, आपके पास माइक सिस्टम, आप बोलेंगे अगले चौराहे गाड़ी को रोक लीजिए बिना नंबर की जा रही है। बोलता कहाँ नहीं नहीं वही तो गाड़ी लगभग जाएगा, हमको ऐसे कम्युनिकेट करना है अपने लोगों से कि कुछ हमारे लोग ही सुने, तो वायरलेस कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं और जहाँ रूटीन का लगेगा वहाँ वैसे भी कर सकते हैं। स्पीड तो चलिए तब भी निपट जाएगा, ये देखिएगा अब जैसे ये चौराहा देखो यहाँ, ये किस कई जगह का है, ये मोदीपुर का जैसे बाकी में चल रहा है, ये कैमरा 2-3 जगह पे फिट उसका किसी ने ओपन कर लिया होगा। उधर से देखिए लोगों, जिनको नहीं आना चाहिए उधर वाला रेड होगा, वो सब चले आ रहे हैं। देखो मोटरसाइकिल वाले को राइट मोड़ना है, वो सबसे लेफ्ट में था इसलिए वो अपना लगा हुआ है। देखिए ना उधर से भी रिक्शा साइकिल आ रही है, उनके बंद होंगे अभी भी ग्रीन है बट ये बंद हो गया, ये लोग इधर का अप्रोच खोल दिए फ्रॉम यूनिवर्सिटी जो मैनुअल कर दिया है क्या? हाँ, फिर वो हाथ से वाला खड़ा है ना, प्रेशर अगर वो देखता है तो बीच में मैनुअल भी कर देता है, अगर उसे लगता है कि इधर जाम प्रेशर बढ़ रहा है। सर वो क्या रहा ना, जैसे उसमें से 15 सेकंड ये लोग खा जाते हैं, तो जो अगला अप्रोच खुलने वाला है उसमें सिर्फ 15 सेकंड ही बचेगा, उसमें फिर गाड़ी वही आगे स्टक हो जा रही है। ये मेन इशू आ रहा, हमने दो बार चौराहे पे चाके इनके साथ चलाया कर दिया जाए। जी जी नहीं, हमने ये चला के दो बार चेक किया सर, वही फेस हो रहा है, बट लोग क्या रहा, थोड़ा सा एम्बर पे रुक नहीं रहे, एम्बर के बाद मतलब 3 सेकंड हमने 4 सेकंड दिया एम्बर देखते रुक जाना चाहिए कि पीली लाइट होगी, अब थोड़ा रुकना है हमें, नहीं वो पीली लाइट पे और स्पीड वाला पकड़ लेते कि अब रेड होने वाली है हम लोग जल्दी से निकल जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, जैसे अब ये बोलेरो निकली तो इसके बाद ये अगला 3-4 गाड़ी ऐसे करते हुए 50-60 गाड़ी ट्रेन पकड़ के वो भी निकलने लगती है, इनके रुकते रुकते जैसे ही रेड हुआ ये लोग फिर भी
10-15 सेकंड खा जाते हैं, तो ये चौराहा छोटा है, अगर 15-20 अगर वहीं पे गाड़ी स्टॉप हो गई तो फिर अगला इसके अगला ये कचहरी चौराहा है उसका ट्रैफिक तब तक पहुँच जाएगा। सामने लगा होगा उसके आपके हाँ सर, वो सामने उधर से लगा होगा, वो लोग देख ले होंगे ये आ जाएगा सर वहाँ पे रेड पे, अगर वॉलेट की होगा सारा आएगा सर। ये रेड लाइट पे आप लोग पीछे हो जाए, चलान होगा। चौराहे पे खड़े सभी वाहन चालक कृपया ध्यान दें, आप सभी से अनुरोध है कि रेड सिग्नल होने के दौरान अपने वाहन को स्टॉप लाइन व जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे रोकें। पुनः कृपया ध्यान दें, आप सभी से अनुरोध है कि जेब्रा रेड सिग्नल होने के दौरान अपने वाहन को जेब्रा लाइन व स्टॉप लाइन के पीछे रोकें। जिन वाहन को दाहिने जाना है कृपया बायां लेन बाधित ना करें, बायां लेन खाली रखें, अपने ही लेन में वाहन चलाएं। पर आप लोग स्टॉप लाइन से आगे खड़े हुए हैं, आप लोगों की गाड़ियां कैप्चर हो गई हैं, आप सभी लोगों का चालान हो चुका है, आप लोग अपनी गाड़ियां पीछे कीजिए, स्टॉप लाइन के पीछे आइए, गणेश चौराहा। और भविष्य में आप लोग ध्यान रखें कि स्टॉप लाइन से पहले ही रुकना है, स्टॉप लाइन के आगे आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का चालान हो जाएगा। कंट्रोल जो काम करो उनका नाम तुम्हारा नहीं होगा भाई, चिंता ना करो, देख लेना भाई। ये गोरखपुर एक महत्वपूर्ण शहर है और खास करके जिस तरह से इसका स्वरूप तेजी से बदल रहा है, ट्रैफिक की यहाँ एक समस्या लोगों को सामना करना पड़ता है, खास करके सोमवारी जाम का एक बड़ा नाम यहाँ फेमस है, ना केवल सोमवार को यहाँ पर अन्य दिनों में भी, बिकॉज ट्रैफिक का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, जगह थोड़ी कम है, थोड़ा इनडिसिप्लिन ट्रैफिक है, लोगों को ट्रैफिक नियमों को पालन करने की उतनी जानकारी नहीं है, इन्फोर्समेंट हमारा ख़राब रहा है, इन सभी विषयों को सामूहिक रूप से देखने से और उसका निस्तारण बेहतर ढंग से कैसे किया जाए, इस दिशा में एक अच्छा पिछले कुछ दिनों में काम हुआ जहाँ इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शहर में लगाए गए हैं। ऐसे 13 महत्वपूर्ण क्रॉसिंग है जहाँ इंटेलिजेंट कैमराज लगे हुए हैं और टोटल 21 चौराहों पर CCTV लगा दिए गए हैं। जैसा अभी आप लोग भी देख रहे थे, इन चौराहों पर कोई भी आदमी अगर ट्रैफिक लाइट्स को वॉयलेट करता है, हर आदमी की व्हीकल्स कैप्चर हो रही हैं, उनको वार्निंग दी जा रही है और उनके घर ऑटोमेटिक चालान अब थोड़े दिन में ही अगले वीक से पहुंचने लगेगा, उनके डेटा सिंक हो जाएंगे, जैसे ही यहाँ से चालान कैप्चर होगा लोगों के यहाँ पहुंचने पड़ेगा। उसी को थोड़ी जागरूकता हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, आज भ्रमण का उद्देश्य भी यही है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए कि अब वो समय आ गया है कि वो वायलेशन ना करें। अभी जिस तरह से चौराहे पे दिख रही है ट्रैफिक, लोग एकदम अनकंसर्न हैं और आंख मूंद के बिना पालन करके जा रहे हैं, पर एट द सेम टाइम जब हमने अनाउंस किया चौराहों पे कि आप अपनी गाड़ियों को पीछे लें तो लोग उसको रिकॉग्नाइज किए कि हाँ वॉयलेट हुए और पीछे आने की भी कोशिश किए। तो ट्रैफिक नियंत्रण एक सतत और रेगुलर प्रयास करने की आवश्यकता है, इस दिशा में कुछ प्रभावी कदम उठाए गए हैं और हाल में लगातार ट्रैफिक पर हमारी जो टीम है जिला प्रशासन की और ट्रैफिक की वो काम कर रही है और उसमें सुधार परिलक्षित हो रहा है, परंतु बहुत सारे काम है जो हमें करने हैं और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि किस प्रकार हम ITMS को ठीक ढंग से फंक्शनल करें और शहर में इसका इन्फोर्समेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितनी भी जागरूकता होगी लोगों को चालान मिलने लगेंगे तो वायलेशन धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो इसी दिशा में इस पूरे व्यवस्था को और कारगर ढंग से किस प्रकार हम योजनाबद्ध ढंग से लागू कर सके, इसलिए विजिट किया गया था और इससे कुछ लर्निंग्स आए हैं जिसको हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। नगर निगम व पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने अपर SDM सदर अनुपम मिश्रा के नेतृत्व में गणेश चौराहा से लेकर विश्वविद्यालय चौराहा तक दुकान के सामने अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ अभियान चलाकर खाली करवाया, जिसके संबंध में अपर SDM सदर अनुपम मिश्रा ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश अनुसार नगर निगम व पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा महानगर में हुए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसको देखते हुए गणेश चौराहे से लेकर विश्वविद्यालय चौराहा तक अभियान चलाकर अतिक्रमण को खाली करवाया जा रहा है। इसमें जितने भी लोगों ने अतिक्रमण किया है उनसे बातचीत भी की जा रही है, उनको समझाया जा रहा है कि जिससे वह खुद अतिक्रमण को हटा लें, नहीं तो प्रशासन खुद खाली करवाएगा। उन्होंने कहा दोबारा अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर कैंट उप निरीक्षक अवधेश चंद्र मिश्रा, सुधांशु सिंह सहित अन्य नगर निगम प्रवर्तन दल के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए
अपर एसडीएम सदर अनुपम मिश्रा एवं नगर निगम प्रवर्तन दल के कर्नल सीपी सिंह ने कहा। ये गाड़ियां किसकी हैं? कहां गए वो? इसको भी कर। मैं साथ साथ चल रहे हैं, मजिस्ट्रेट साहब चल रहे हैं, हम लोग सुबह से लगे हैं और बहुत व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे हैं। पीछे कुछ शिकायतें आई थी कि हम लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया, इनको पर्याप्त मौका दिया गया है और इनको व्यवस्थित कर रहे हैं। जो डीएम साहब ने हम लोग को आदेश दिया है कि इसको व्यवस्थित भी करना है और कमें हटाना भी है और पुनः ना हो उसको उस पर एम्फेसिस करना है। तो वो लोकल चौकी इंचार्ज हमारे साथ साथ में दोनों चल रहे हैं, वो साथ साथ उसका, क्योंकि वो लोकल कस्टडियन है, हम लोग मैं और एसडीएम साहब या जो भी है एक बार करेंगे, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। वो डीएम साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया और कप्तान साहब ने भी क्लियर कर दिया। ये सारी टीम से जो नगर निगम स्थानीय प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा नगर में अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसी के दृष्टिगत आज यहाँ पे गणेश चौराहे से लेकर यूनिवर्सिटी चौराहे तक ये अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जा रहा है। इसमें जितने भी लोगों ने अतिक्रमण किया उनसे बातचीत भी की जा रही है, उनको समझाया भी जा रहा है और उनको व्यवस्थित भी किया जा रहा है जिससे शहर में पुनः अतिक्रमण ना हो पाए। नहीं, उनको बताया गया है कि चौकी इंचार्ज को इसके संबंध में उनका नाम लिखा जा रहा है, उनकी लिस्ट बनाई जा रही है, उनको एक जगह व्यवस्थित भी कराया जा रहा है। अगर उस व्यवस्थित जगह के अलावा पुनः वो अतिक्रमण करते हैं तो उन पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को 11वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एवं डीडीएमए के संयुक्त तत्वाधान में राजघाट राप्ती नदी के किनारे एक दिवसीय बाढ़ आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एवं उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रविन्द्र प्रताप शाही ने प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारम्भ किया, जिसके संबंध में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रविन्द्र प्रताप शाही ने बताया कि दैवीय आपदा से बचाव के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करें तो उसका परिणाम अच्छा होगा और लोगों को बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है, इसीलिए इस कार्य को टीम भावना से करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ टीम के द्वारा आपदा मित्र एवं आपदा सखी को भी प्रशिक्षित किया गया, जिससे बाढ़ के दौरान आवश्यकता पड़ने पर राहत व बचाव दल के रूप में उपयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन बचाव संबंधित विभाग कार्य योजना बनाकर व्यवस्थाएं पूर्ण करे, जिससे कि समय आने पर उनकी उपयोगिता सिद्ध हो सके और जनधन की हानि से बचा जा सके तथा बाढ़ पूर्व तैयारी कर लेने से बाढ़ से बचाव किया जा सकता है। इस अवसर पर आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता,
एनडीआरएफ के हेड पीएल शर्मा, इंस्पेक्टर डीपी चंद्रा तथा आपदा मित्र एवं आपदा सखी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह तथा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एवं उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रविन्द्र प्रताप शाही ने कहा, आपको स्टेट रुपीज बताता हूँ, कुछ तो मतलब जिसे लगभग 30-40 पेज का बना रहे हैं, इतना इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट है वो कि केवल कुछ भी आपदा हो जाए वो डॉक्यूमेंट किसी के सामने प्लेस है। बिल्कुल सर, कुछ एक्टिविटी होती रहती है तो अच्छा है। डिजास्टर में भी ये मुझे सर नेशनल लेवल पे अगर कहीं डिस्ट्रिक्टें दिखती हैं, उड़ीसा के बाद मुझे लगता है गोरखपुर वगैरह हम भी होते हैं, लेकिन हम हमारी सोच अब धीरे धीरे पिछले 5-6 साल फोकस हो रही है। उड़ीसा आपके पास साल पहले कहाँ था, आज कहाँ है, तो हम जहाँ भी हैं उसको बेंचमार्क करके और अगले 5 साल में हमको कहाँ पहुँचना है, यही तो मुख्यमंत्री जी की भी योजना है कि अगले 5 साल में हम इसको एकदम न्यूनीकरण करके हर तरीके से इंडिविजुअल को ट्रेनिंग दे करके भी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाते हुए, अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी भी आई गई है मिटिगेशन की जी, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि नॉन कोलेप्सिबल अमाउंट है वो, अगर पिछले साल इस्तेमाल नहीं कर पाए किसी वजह से तो इस साल कर दीजिए, वो लैप्स नहीं होता, मतलब बजट से पहले होता था बजट नहीं हुआ तो वापस वो नहीं है, तो सबसे बड़ी बात है। और पिछले साल का काफ़ी लेट आया था तो नहीं हुआ फाइनेंशियल ईयर में, तो 500 करोड़ उसका है, 500 करोड़ इस साल का है, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के करीब है मिटिगेशन के लिए। तो जो ये अभी सब ये बना है कि आपदा में किसी तरह से उसको बचाव किया जाए, तो इन सब के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर के अगले बारिश में तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन हम तैयारी शुरू कर देंगे तो कम से कम अगली बारिश से पहले वो प्रोजेक्ट्स तैयार हो जाएंगे, किसी तरह की हानि ना हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स की हो, जनहानि हो, चाहे पशु हो, और जहाँ तक हो सके प्रॉपर्टी की भी बचाया जाए, ये कहीं बंद बनना है उससे क्या फायदे होंगे। इस तरीके से 4 आदमी के लिए सफिशियंट इसको वाटर बॉटल जो बोलते हैं, जनरली हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह यूज करते हैं, इसको क्या करते हैं फ्लो कर देते हैं, इसको चाहेंगे तो बाढ़ के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है। हम कैंपियरगंज जाते हैं, कहीं भी कुशीनगर भी गए हैं, तो बच्चे अधिकतर जो स्विमिंग करते हैं छोटे बच्चे इसका यूज़ करते हैं। इसमें ध्यान देना, ये काटन का रस्सी हो, इसमें 2 तरह से नाट किया गया है, एक तो बॉटम ऊपर वाले बॉटम वाले हिस्से से, कैप वाले के पार्ट से, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना है कि कैप वाला हिस्सा नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा, नीचे रहने से फायदा क्या है, पानी नहीं। दूसरा एक और चीज़ ध्यान देना है कि जो आपने लास्ट में टाई किया हुआ है, ये बांधा हुआ है, अगर ये लूज रहेगा खुल जाएगा तो क्या होगा, बॉटल खुल जाएगा, तो इसको पूरी तरीके से क्या करेंगे आप, इस पर जो रनिंग वाटर है, हल्का रनिंग वाटर, नदी में तो नहीं खोला जा सकता, नदी में आपका जैसे लाइफ जैकेट वगैरह है या लाइफ जैकेट आपका थर्माकोल के मात्रा कपड़ा हो गया, लेकिन उसका कलर ब्लैक कलर का हो कपड़ा इस तरीके से, इसका फायदा क्या होगा, दूर से दिखेगा क्योंकि फ्लोरोसेंट कलर है, दूर से दिखता है, हमारा बोर्ड फ्लोरोसेंट कलर का है, दूर से दिखता है, ब्लैक कलर रहेगा तो क्या होगा, दिन को भी रात में, अगर रात में मान लीजिए कहीं किसी लोकल कंट्री में बोर्ड है उसमें अगर लाइव जैकेट सभी पहने हुए हैं, 72 घंटे तक आपको टुकड़े नहीं देगा। इसमें 2-3 लेयर लगाया हुआ है, इसमें एक विसिल भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, विसिल भी इसमें लगा सकते हैं, विसिल का फायदा क्या होगा, आप पानी के अंदर थोड़ा जा सकते हो, पानी ये करके देखिए जहाँ तक जा सकते हैं, बस हो गया, ठीक है, एक मिनट का समय है, जल्दी करिए, जल्दी करो, जल्दी करो, ठीक है, ये हो गया, अब गलत की बात है।
हाथ तक चलाता है। दो ढाई मिनट में आप आराम से सकते हैं, कपड़े किनारे कोई पत्थर बांध सकते हैं, कोई चीज कर सकते हैं। एक तरीके से सर एक पिकनिक हो जाता है सर, एक वो भी जरिया है उसको आगे बढ़ाने का। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह हूं और एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं और डीडीएमए डिस्ट्रिक्ट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का सीईओ हूं। आज एनडीआरएफ के तत्वावधान में हमारे जनपद में एनडीआरएफ है, बहुत अच्छा काम कर रही है। उनके तत्वावधान में हमारे जो आपदा मित्र हैं विश्वविद्यालय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के, वो बच्चे जो यहाँ पर डिसास्टर मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं उनको यहाँ पर व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपने जैसे देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति नदी में क्या हो सकता है, नदी में कोई डूब ही सकता है और उसको बचाने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं। और सबसे पहला जो तरीका है वो यही है कि आपके अंदर साहस हो और आपके अंदर ये भाव हो कि आप किसी को बचाना चाहते हैं। तो हम लोग उनके अंदर उनके मन में ये भाव जागृत करा रहे हैं। ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ साथ ही उनके अंदर एक ऐसा विश्वास जागृत कर रहे हैं कि पानी में जाने से या पानी में उतरने से कोई खतरा नहीं है, बस आपको अपनी सुरक्षा करते हुए और दूसरे को सुरक्षित करना है। सर उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य इसका यही है कि हमारा जनपद, जैसा आप जानते हैं, लगभग 400 गाँव ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं। इसके अलावा पूरे वर्ष भर ऐसा घटनाएँ होती रहती हैं कि छोटे छोटे बच्चे नदी या नाले या तालाब में जाते हैं और डूब जाते हैं। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम इनको ट्रेन करें, ये अपने नीचे इस तरह से लगभग पूरी जनता, पूरे लोग ट्रेन हो जाएं, उनको ये आइडिया हो जाए कि पानी एक ख़तरनाक चीज़ है। जब आप उसके अंदर जाते हैं और तैरना नहीं जानते हैं तो आपको अपने बचाव के साथ पानी में उतरना चाहिए। सबसे पहले तो मैं गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, एडीएम एफआर और यहाँ के जो डिज़ास्टर एक्सपर्ट हैं गौतम, उनको हार्दिक मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम इन्होंने जो अभी प्लानिंग किया है उसके जरिए जो वॉलंटियर्स हैं और उससे ज़्यादा जो वॉलंटियर हैं जो हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज में बच्चे हैं उनको भी शामिल किया गया है एक ये नई रूपरेखा के जरिए। और गोरखपुर इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट में ऐसा अग्रणी रहा है और इस पॉलिसी को भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं उसी के संदर्भ में इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम हर हालत में हर तरह की आपदा, चाहे वो नेचुरल हो चाहे मैन मेड हो, आपदा से लड़ने की क्षमता रखें और अपने डैमेजेस को, अपने जो उसे क्षति होती है उसको कम करने में सक्षम रहें। और उसी के मद्देनज़र ये सब ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। और जैसा कि मीडिया ने मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया था दो दिन पहले, उसको काफ़ी गोरखपुर से भी छपा, लखनऊ से भी छपा, देवरिया से भी छपा है और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया गया है कि इस जैसे इस साल आपको पता है काफ़ी टेम्परेचर जो है ज़्यादा हो गया। अप्रैल के महीने में, जून में जो टेम्परेचर होना चाहिए था वो अप्रैल में आ गया है मेरे ख्याल से, तो हम उसकी तैयारी अभी से अगर नहीं करेंगे तो क्षति हमारी ज़्यादा हो सकती है।
इसके मद्देनजर रखते हुए हम अभी ड्रॉट से या सूखे से कैसे बचें, क्या क्या उसमें डूज डोंट्स प्लानिंग उसकी तैयारी करें और उसको एग्जीक्यूट करें, लू से कैसे बचें, स्कूल भी चल रहे हैं, कॉलेजेस भी चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी चल रहे हैं और बाकी जो भी एक्टिविटी होती है कम्युनिटी के अंदर सारी एक्टिविटी चल रही है, लेकिन किसी को रोका नहीं गया है। उसको हम ऐसा प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक्टिविटी चलती रहे और क्षति ना हो। और उसके बाद जब ये अभी ख़त्म नहीं होगा तब तक लाइटिंग शुरू हो जाएगी। पिछले कुछ वर्षों में हमारे प्रयास से लाइटिंग की जो डेथ है वो भी काफ़ी कम हुई है और हुई हैं ज़रूर, लेकिन अब की हमने कमर कस लिया है और उसको भी हम मिनिमाइज़ करेंगे। कोशिश यही रही कि ज़ीरो हो और उसमें ज़रूरी है कि कम्युनिटी उसको अंडरस्टैंड करे। और जब कम्युनिटी बेस्ड प्लानिंग होगी, कम्युनिटी बेस्ड एग्जीक्यूशन होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार की क्षति ना हो, हम उसको बिल्कुल हासिल कर पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं हमको। और उसका ये आज जो आज आप देख रहे हैं एक छोटा सा उदाहरण है। हर ज़िले में ऐसी चीज़ें विकसित की जा रही हैं, इनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो चुकी है और फ्लड जो जुलाई अगस्त 15 जुलाई के बाद कभी भी आ जाते हैं उसकी भी तैयारियाँ जो हैं हमने शुरू कर दिया है। और क्योंकि एडवांस में शुरू किया है तो उसके नतीजे भी अच्छे आएंगे और हम प्रोएक्टिव अप्रोच डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में हम करना चाहेंगे, ना कि नी जर्क रिएक्शन हो, जब वो आपदा हमारे सामने दरवाजे पे आके खटखटा रही है तब क्षति ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर हम प्रोएक्टिव तरीके से काम करेंगे तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि हम हर तरह की क्षति, हर तरह के आपदाओं से बचने में निपुणता हासिल हो जाएगी, क्योंकि हमने कम्युनिटी को अब एक वेल निट फैमिली की तरीके से वो भी इसी का हिस्सा हैं। और क्योंकि जो ज़्यादा प्रभावित होता है वो अगर सीख ले तो फिर हमको विजय हमारी निश्चित होगी। और विजय इसमें यही है कि किसी भी प्रकार की क्षति ना हो, चाहे वो जनहानि है, चाहे पशु हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस सब चीज़ों से बचा जा सके। और जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। और आपको बताएं एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पॉलिसी आई है आपदा मित्र की, पूरे प्रदेश में हमने 10,200 आपदा मित्रों को ट्रेनिंग करना है और उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश था पूरे भारतवर्ष में जिसने ये एक्टिविटी शुरू की है और हम करीब 1,000 आपदा मित्रों को ट्रेनिंग करा चुके हैं और ये रफ्तार और अब तेज़ी पकड़ेगी। और 10,200 जो है पिछले अगले एक से डेढ़ साल के अंदर हम ट्रेनिंग कर देंगे। उससे ये होगा कि जो ज़्यादा ज़िले प्रभावित होते हैं उसमें ये एक ट्रेंड मैन पावर और ये वॉलंटियर हैं। और आपको ये जान करके खुशी होगी और आपके ज़रिए मैं जनता तक भी बात पहुँचाना चाहूँगा कि इसमें बच्चियाँ भी आई थी, एक ज़िले से 17 बच्चियाँ आई थी आउट ऑफ 50 जो उस उनको स्ट्रेंथ दिया गया था। तो एक बहुत बड़ी यू कैन से चेंज है हमारे बिहेवियर में और हम अपने बच्चों को भी इसमें ट्रेनिंग में ला रहे हैं और आपके सामने आज भी काफ़ी बच्चियाँ यहाँ पे हैं। तो मैं मीडिया के जरिए पेरेंट्स के बाद पहुँचना चाहता हूँ कि हम एकजुट मिल करके एक ऐसा प्लान बनाएं, उसको ऐसा एग्जीक्यूट करें कि हम हर टाइम किसी भी तरीके की आपदा आने के ऊपर सक्षम हैं उसको निपटने के लिए। और इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश, उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है हर हालत में पूरी करेगा उनका जो निर्देश दिया गया है। और उसमें मैं देख रहा हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के DDMAs हैं, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं, सब ने जागरूकता दिखाई है इसके बारे में। और इस साल हम ज़ीरो अगर नहीं ना भी कर पाए तो क्षति को हम मिनिमाइज तो करने में हम पक्का मेरे को उम्मीद है कि हम पहुंचेंगे और उससे उत्तर प्रदेश के जनमानस को हम बचा पाएंगे। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आपके ज़रिए इसको फैलाया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए। और जय हिंद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। एक तरफा प्यार में पागल सिरफिरे ने किया ट्रिपल मर्डर, पति पत्नी और बेटी की हत्या, परिवार के वैवाहिक समारोह में जाते समय हुई वारदात,
तीनों को बांकी से गला रीत कर उतारा मौत के घाट। हत्यारोपी हुआ गिरफ्तार। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने दी जानकारी। सीएम सिटी के डीएम ने दिखाए तेवर तो अधिकारियों की सिट्टी पिट्टी हुई गुम। व्यापारियों ने बजाई तालियां। डीएम ने कहा उनकी पूरी टीम की है उन कार्यालयों पे नजर जहां दलाल हैं सक्रिय। कुछ को भेजा है जेल, जल्द ही कई जाएंगे जेल। मजबूती से लागू कराएंगे जनहित गारंटी अधिनियम। कथित तौर पर अपने आप को एसएसबी का जवान बताने वाला निकला लुटेरा, कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 95,000 रुपए, घटना में प्रयुक्त मोबाइल व मोटरसाइकिल किया बरामद। सीओ कैंट श्याम देवबिंद ने किया खुलासा। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने आगामी त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए शहर के संभ्रांत नागरिकों के साथ की पीस कमेटी की मीटिंग। कहा त्योहार में खलल डालने वालों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्यवाही। अवैध असलहे के दम पर विभिन्न लोगों से लूट करने वाले 3 अभियुक्तों को गुलरिहा पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 देसी तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 1 लूट का मोबाइल व पर्स, 17,250 रुपए नगद किया बरामद। एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। सोमवारी जाम और महानगर को जाम के झाम से मुक्ति दिलाने के लिए लगाए गए आईटीएमएस इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के कंट्रोल रूम का एडीजी जोन अखिल कुमार ने किया औचक निरीक्षण। कहा आईटीएमएस के बारे में लोगों को किया जाए जागरूक ताकि ट्रैफिक नियमों का हो सके पालन। नगर निगम व पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने अपर एसडीएम सदर अनुपम मिश्रा के नेतृत्व में गणेश चौराहा से लेकर विश्वविद्यालय चौराहा तक दुकानों के सामने किए गए अतिक्रमण को अभियान चलाकर करवाया खाली। कहा दोबारा अतिक्रमण करने वाले दुकानदार के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्यवाही। ग्यारहवीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एवं डीडीएमए के संयुक्त तत्वाधान में राप्ती नदी के तट पर एक दिवसीय बाढ़ आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यशाला का किया गया आयोजन। आपदा सखी एवं आपदा मित्रों को किया गया प्रशिक्षित। कहा संबंधित सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करें तो परिणाम होगा अच्छा। व्यापारी बंधुओं के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कलेक्ट्रेट सभागार में की बैठक। जाना व्यापारियों से उनकी और महानगर की समस्याओं को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड में गोरखपुर को पूरे यूपी में मिला दूसरा स्थान। सीएमओ ने कहा प्रयास रहेगा कि अगले माह जनपद आए प्रथम स्थान पर। नागरिक सुरक्षा कोर के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कलेक्ट्रेट सभागार में की बैठक। कहा 29 अप्रैल को ब्लैक आउट मॉक ड्रिल का आयोजन कर किया जाएगा युद्ध अभ्यास। और 25 अप्रैल से आईसीएसई एवं सीबीएसई बोर्ड की क्लास 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं हुई शुरू। परीक्षार्थी छात्राओं ने कहा नहीं करना पड़ा किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना, पेपर हुआ बहुत ही अच्छा। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निसान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। को मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए, दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में व्यापारी बंधुओं की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सकुशल संपन्न हुआ। इस दौरान मंडी के व्यापारियों ने जिलाधिकारी को रात में मंडी में गश्त बढ़ाने व वन वे करने की मांग की, जिस पर जिलाधिकारी ने ट्रैफिक विभाग को निर्देश दिया कि मंडी में वन वे किया जाए जिससे मंडी में भीड़ ना लगे। वहीं साहबगंज मंडी के व्यापारियों ने कहा कि कुछ जगहों पर नालों की स्लैब टूटी है और कुछ जगहों पर ठेले वालों से अवैध वसूली की जाती है, जिस पर अधिकारी ने नगर निगम को स्लैब ठीक व पुलिस को संबंधित व्यक्ति को चिन्हित करके कार्यवाही करने के निर्देश दिए। वहीं कुछ व्यापारियों ने कहा कि कालेसर जीरो पॉइंट पर रात में लाइट नहीं जलती है, जिस पर NHAI के अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को आश्वस्त किया गया कि एक हफ्ते के अंदर वहां पर लाइट को ठीक करवा दिया जाएगा। इस अवसर पर ADM सिटी विनीत कुमार सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी, दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे, महामंत्री आलोक चौरसिया, व्यापारी नेता अभिषेक शाही, संजय सिंघानिया सहित अन्य व्यापारी गण एवं अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। व्यापारी सबने आदेश कर दिया, SDM नायब तहसीलदार लेखपाल भी गए और 1 तारीख को फैसला भी हो गया और एक बार 6 अप्रैल को डेट मिली थी खाली कराने के लिए। पूरी राजस्व की टीम SHO सभी लोग गए, लेकिन आदेश आया कि 10 तारीख को ये खाली करा ली जाए और फिर चले आए। फिर 19 अप्रैल को एक डेट पड़ी किसको खाली करा लिया गया। सर एक भू माफिया, एक शराब माफिया क्या इतना ताकतवर हो गया है कि पूरा पुलिस प्रशासन रखा है और वो हट नहीं पा रहा है। अब हम कहाँ जाएं और कहाँ न्याय मिलेगा वो बता दीजिए सर। मिल गया, आपकी चौक पर बहुत कंपनी चौराहे पर ठेलों का इस्तेमाल हो गया, अगर फिर किराए से छूटे स्कूल तक नाला सफाएंगे, पट्टी हटाएगी, किसी के बाद नाले पर नहीं रखा गया। ये पट्टी अलग टूटी कि नहीं हो गया ना, सभी प्रदेशों में प्रतिस्पर्धा है कि कोई भी छोटा उद्यमी हो बड़ा उद्यमी लगाना चाहते हैं, न्योता देना पड़ता है, उसके लिए पहले तो मत स्थिर करना पड़ता है, भावना सही रहनी पड़ती है, बाद में बाकी सारा काम होता है। किसी में है व्हाटएवर इट, माफिया गिरी नहीं चलेगी यहाँ पे। जैसे अभी कुछ लोग गए जेल, सब जाएंगे जेल। आप लोगों को सूचना गोपनीय सूचना कर रहा हूँ कि कहाँ कार्यालय में दलाल चल रहे हैं, कहाँ कार्यालय में परेशान किया जा रहा है, सम्मान में कमी छोड़ी जा रही है, कहाँ व्यापारी उद्यमियों को जो पॉलिसी है उसके आधार पर सेवाएं नहीं मिल रही, जहां जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सेवा नहीं मिल रही है, ये मुझे जानना है। हमारी टीम कोर टीम जो है तत्पर है, कटिबद्ध है। जनपद को मार्च माह 2022 में हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड में पूरे यूपी में दूसरा स्थान मिला है, जिसके संबंध में CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि प्रत्येक माह कार्यों को बढ़ावा देने के लिए लोगों में उत्साह बनाए रखने के लिए योर हेल्थ डैशबोर्ड बनाया गया है, जिसमें 21 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें जनपद को दूसरा स्थान मिला है। उन्होंने कहा कि आगे प्रयास रहेगा कि हम लोग अगले माह प्रथम स्थान पर आए। कैंपियरगंज, पिपराइच और सहजनवा, इन 3 ब्लॉकों का अहम योगदान रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, देखिए प्रत्येक माह जो है कार्यों को बढ़ावा देने के लिए, लोगों में उत्साह बनाए रखने के लिए एक ये हेल्थ डैशबोर्ड बनाया गया है, जिसमें जो है हमारे 21 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक के होते हैं, क्योंकि ये हमारा वित्तीय वर्ष अंतिम वर्ष था, तो इसमें जो है पिछले माह की यानी फरवरी 21 फरवरी से लेकर के 31 मार्च तक की रैंकिंग जारी की गई है। उसमें हमारे
टीम को जो है द्वितीय स्थान मिला है और ये गौरव की बात है कि हम लोग जो है पिछले 4-5 माह से जो है हम लोग प्रथम 3 स्थानों के अंदर ही हैं। कभी पहला रहता है, कभी दूसरा, कभी तीसरा रहता है। पिछले माह भी हम लोग जो है 2 स्थान पर थे, इस माह में भी, और हम लोग सार्थक प्रयास ये करेंगे कि हम लोग जो है अगले माह निश्चित रूप से प्रथम स्थान पर रहें। सर क्या उपलब्धियाँ हैं? देखिए, इसमें उपलब्धियों के लिए ये होता है कि हमारा जो है परिवार कल्याण कार्यक्रम के ऊपर होता है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य की देखभाल के ऊपर होता है, टीवी के नोटिफिकेशन के ऊपर होता है, तो इसी के आधार पर होता है। और इसमें विशेष रूप से हमारे जो है कैंपियरगंज, पिपराइच और सहजनवा ब्लॉक का सहयोग था, जिन्होंने 100% अंक हासिल किया था, और उसी कड़ी में ये है और हम लोगों का प्रयास है। ये समय की टीम वर्क है और उसी टीम वर्क की वजह से है, और हम लोग जो है प्रयास यही करेंगे कि हम लोग नंबर 1 बन जाए। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कलेक्ट्रेट के सभागार में सोमवार को नागरिक सुरक्षा कौर के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में नागरिक सुरक्षा कौर के चीफ वार्डन डॉक्टर संजय कुमार गुलाटी ने बताया कि यह बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 6 महीने पर की जाती है, जिससे सभी विभागों का आपस में समन्वय स्थापित हो सके। उन्होंने कहा, शासन के निर्देश अनुसार 29 अप्रैल को ब्लैक आउट का मॉक ड्रिल किया जाएगा। यह मॉक ड्रिल दुश्मन की बढ़ती गतिविधियों की वजह से की जा रही है, के लिए एक एरिया को चिन्हित किया जाएगा और मॉक ड्रिल शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच होगा और उस दिन उस एरिया की लाइट ऑफ रहेगी। उन्होंने कहा कि युद्ध के समय आंतरिक सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है तथा शत्रु प्रत्येक महत्वपूर्ण नगर पर निशाना बनाने का प्रयास करता है, लेकिन देश के नागरिक अपने परिवार के सक्रिय सहयोग से नगर की सुरक्षा कर सकते हैं। शत्रु निशाने का पता प्रकाश प्रधान नक्शे द्वारा प्राप्त करता है। यदि हम प्रकाश प्रतिबंध पूर्ण रूप से कर लेते हैं तो शत्रु कभी हमारे नगर को निशाना नहीं बना सकता है। इसी उद्देश्य से प्रकाश प्रतिबंध लागू करेंगे ताकि 5000 फीट की ऊंचाई से प्रकाश ना दिखे। इस अवसर पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी, नागरिक सुरक्षा कौर के चीफ वार्डन डॉक्टर संजय गुलाटी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नागरिक सुरक्षा कौर के चीफ वार्डन डॉक्टर संजय कुमार गुलाटी ने कहा, पहले हमारे वार्डन की जो रोड पर लोग रहेंगे तो इससे कोई पहली वाली स्थिति नहीं, हम लोग पहले से अनाउंस भी करेंगे। और एयर रेड वार्निंग का मतलब कि लड़ाकू विमान हमारे क्षेत्रों में घुस चुके हैं। आप वार्डन सेवा के और एक ट्रेनिंग सेवा और संचार सेवा को मैं खुद ही सर उसी हूँ, बाकी सी एफ ओ सर है और एयरफोर्स से भी आप स्क्वाडन लीडर बैठो जी। सर उस दिन हुआ है 29 तारीख को सर्किट हाउस और जो एनएक्सी का क्षेत्र है उसके बाद सारी एजेंसी सर काम करना शुरू कर देंगी। आधे घंटे के अंदर सारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी सर, फिर लाइट आ जाएगी। सर हमारे ऊपर एक हवाई हमला हुआ है, हमले के दौरान तमाम सारी जगहों पे आग भी लगी है, बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, कुछ बिल्डिंग कोलैप्स है, तो वहाँ से कुछ इमरजेंसी मेथड ऑफ रेस्क्यू का वो एक दिखाएंगे लोग सर, सिविल डिफेंस के लोग भी। और लाइटिंग जिसकी अगर वो कहीं और जाकर के गिरा देगा तो पार्क वाली एरिया में सर वो गिराएगा, वहाँ बम बम सर कराएगा। तो सबको बता दीजिए सर, मार्ग प्रकाश के भी लोग बैठे, विद्युत विभाग के भी लोग बैठे, तारामंडल का वो क्षेत्र जो है आधे घंटे के लिए सर 7:30 से 8 के बीच में सर वो रहेगा। और सभी लोग तो हमने सर ब्रीफ कर दिया, बस आपका मार्गदर्शन की आवश्यकता, आपके आदेश की आवश्यकता है। सारे बॉर्डर सीमा पर रहेंगे, 4.5 बॉर्डर रहेंगे और 200 बॉर्डर सर रहेंगे उस एरिया सर, और बाद में सर उसमें ही होनी है तो सर जो भी जितने भी एजेंसी रहेगी तो आपका बस आशीष वचन मिल जाएगा 5-10 मिनट के लिए, तो सर अच्छा रहेगा। और जो भी लोग वर्क किए रहेंगे तो हम रहेंगे तो गाड़ी करा करके सारे विभाग को दे देंगे सर हम लोग, और इतना है। और बाकी सर कुछ कहना नहीं है सर, आपसे एक निवेदन हम लोगों ने किया था कि हमारा जो मेन बिल्डिंग है वहाँ पे स्टोर और ऑफिस हमेशा की है सर वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाए, तो सर हम लोग ये बहुत बड़ी समस्या है और पूरा उम्मीद है कि सर ये बिल्डिंग इस बार तो मैंने आदेश किया था, क्या हुआ उसके बाद फॉलोअप नहीं हुआ क्या? सर ये तो कि नाजिर के पास ही है, उन्होंने कहा कि मैंने एडीएम सर से बातचीत की थी तो आप सिटी में से मिली थी, मैंने आदेश तो किया हुआ है सर, स्टोर रहेगा ऊपर ऑफिस रहेगा, आपको वो जगह दी जी सर, और किसी मतलब किसी के काम नहीं आ रहा। अभी मैं प्रशासन से बात करूंगा, वो आपसे बात करेंगे सर, आगे बढ़ाएंगे।
ठीक है सर, बस इतना ही था बस। वन इन जनरल टेंट एंड लेटर ऑन इन द फील्ड। पहले टेंट में जितना है मैं लड़ाई, पहले हमारी तैयारी अच्छी रहनी चाहिए, सावधानी क्या बरतना है, इससे लोगों की जागरूकता बढ़ेगी, दक्षता बढ़ेगी, हम सबके लिए अपनी भूमिका क्लियर हो जाएगी और सुनियोजित तरीके से हम लोग आपातकालीन में युद्ध के काल में तैयार रह पाएंगे। इसके लिए एक्सरसाइज किया जा रहा है, इसमें आप सबको बहुत शुभकामनाएं। कभी कभी ज़्यादा शब्द उचित नहीं होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको एक टीम भावना से अच्छी तरह अपने अपने योगदान दीजिएगा, अपने अपनी भूमिका निभाइएगा। नो मिस्टेक्स, नो कैजुअल्टीज एंड बेस्ट प्रिपेयरनेस, बेस्ट परफॉर्मेंस। उस दिन डीब्रीफिंग में जो भी लर्निंग्स हैं उसमें हम लोग समझेंगे क्या गलतियाँ हुई, क्या अच्छा काम हुआ है, और देन वी विल डू करेक्टिव एक्शन। और हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, हमारा इस तरह के आपातकालीन प्लान में बहुत अच्छी तैयारी रहे गोरखपुर जनपद में, ये हम लोग करते आदेष्टा अधिकारियों की बैठक है और इसमें ये हर 6 महीने पर शासन के निर्देशानुसार होती है, जिसमें हम लोग सिविल डिफेंस की तरफ से जो हमारे ऑफिसर कमांडिंग है वो हम हैं और हमारे उपनियंत्रक महोदय हैं सिंह साहब। तो ये बैठक की जाती है कि सभी विभागों के आपस में समन्वय बनाने के लिए, जैसे कि हमारी 12 सेवाएं हैं, संचार सेवा है, फिर आपका ये बाकी CMO सब के यहाँ की सेवाएं हैं, फिर नगर निगम की सेवाएं हैं, बिजली की है, तो इन सभी सेवाओं का एक समन्वय बनाया जाता है 5-6 महीने पे। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे शासन का ये निर्देश है कि 29 तारीख को ब्लैकआउट का एक मॉक ड्रिल होना है, दुश्मन की बढ़ती हुई गतिविधियों को देखते हुए 29 तारीख को एक मॉक ड्रिल हम लोग करने जा रहे हैं। 6 से 9 एक एरिया हम लोग सेलेक्ट करेंगे जिलाधिकारी महोदय के अप्रूवल से, जिस एरिया में हम लोग टोटल ब्लैकआउट करेंगे उस दिन शाम को 6 से 9 बजे। इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ICSE एवं CBSE बोर्ड की क्लास 10वीं की परीक्षाएं 25 अप्रैल से शुरू हो गईं। जनपद के विभिन्न केंद्रों पर पहले दिन अंग्रेजी की परीक्षा आयोजित हुई। आपको बता दें कि महानगर के सिविल लाइन्स स्थित स्कूल में परीक्षा देकर निकली छात्राओं ने बताया कि आज अंग्रेजी लैंग्वेज का पेपर था और पेपर बहुत ही अच्छा हुआ। उन्होंने बताया कि परीक्षा में बहुत ही सरल प्रश्न आए थे। छात्रों ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क तथा कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए परीक्षा करवाया गया, जिससे परीक्षा देने के दौरान किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परीक्षा देकर निकली छात्राओं ने कहा, और इधर और इधर और इधर। भाई खड़ी भी रहोगी क्या अभी? अच्छे क्वेश्चन आए थे, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन आए थे। क्या क्या किस तरह की सुविधा दी गई आपको? बहुत अच्छी, हमारे जितने भी इन्विजिलेटर्स थे सब बहुत अच्छे थे। शिवालिका सिंह राजवंश। किसी के पेपर स्टार्ट हुआ है? इंग्लिश लैंग्वेज। ICSE। कैसा पेपर गया आपको? बहुत अच्छा, पेपर अच्छा आया था, इजी था और टाइम भी नहीं लगा ज्यादा। किस तरह का क्वेश्चन आया आपको? कॉम्पोजिशन इजी था, अच्छे क्वेश्चन आए थे, इजी था, जो बच्चे पढ़ के गए होंगे वो अच्छा किए होंगे। किस तरह की व्यवस्था की गई आपको?
बहुत अच्छा एसी में बैठाया गया है और मतलब कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की गई है, सब लोग मास्क लगाए हुए थे, अच्छा है। अश्विया शाही, आज इंग्लिश लैंग्वेज का था ग्रामर। कौन सा बोर्ड? ICSE। किस तरह की व्यवस्था की जाए? व्यवस्था तो बहुत अच्छी थी, पेपर भी अच्छा आया था, अब मार्क्स अच्छा मिला तो अच्छा है, पेपर तो अच्छा गया है। किसका जो क्वेश्चन आ गया? क्वेश्चन तो जैसे आते हैं एसे वगैरह आए थे, लेटर आए थे, नोटिस, ईमेल, जो कि अच्छे गए। संचिता यादव, पेपर इजी आया था, इंग्लिश लैंग्वेज का था, आज इजी आया था, टाइम के अकॉर्डिंगली ठीक था कॉन्सेप्ट, जो टॉपिक्स अटेम्प्ट किए उसके हिसाब से टाइम सही था, बाकी जो लोग लेंथी टॉपिक अटेम्प्ट किए होंगे उनके लिए थोड़ा सा कम पड़ सकता था। क्वेश्चन ऐसे राइटिंग था, लेटर था, नोटिस, ईमेल था, ज़्यादा लेंथी पेपर नहीं था, बट जितना टाइम लग सकता था उसमें वो तो बच्चों पर डिपेंड करता। व्यवस्था बहुत अच्छी है क्योंकि हम दो सेक्शंस में डिवाइड है, तो जो बच्चे ऊपर दिए उन लोग के लिए एसी वाला था पूरा व्यवस्था, और बहुत ही मतलब शांति का माहौल था, तो सब कुछ अच्छा था। जैनब जी, जी इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर था, अच्छा गया, काफ़ी अच्छा गया, अच्छे थे क्वेश्चंस और थोड़ा इनोवेटिव टाइप्स के क्वेश्चंस थे, और अच्छा लगा पेपर देके, इतने दिन बाद हम लोग ऑफलाइन पेपर देने आए थे, काफ़ी अच्छा लगा, और लेकिन टाइम बहुत कम था। आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। एक तरफा प्यार में पागल सिरफिरे ने किया ट्रिपल मर्डर, पति पत्नी और बेटी की हत्या, परिवार के वैवाहिक समारोह में जाते समय हुई वारदात, तीनों को बांकी से गला रेत कर उतारा मौत के घाट, हत्यारोपी हुआ गिरफ्तार, SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने दी जानकारी। सीएम सिटी के डीएम ने दिखाए तेवर तो अधिकारियों की सिट्टी पिट्टी हुई गुम, व्यापारियों ने बजाई तालियां, डीएम ने कहा उनकी पूरी टीम की है उन कार्यालयों पे नजर, जहां दलाल हैं सक्रिय, कुछ को भेजा है जेल, जल्द ही कई जाएंगे जेल, मजबूती से लागू कराएंगे जनहित गारंटी अधिनियम। कथित तौर पर अपने आप को SSP का जवान बताने वाला निकला लुटेरा, कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, लूट का 95,000 रुपए, घटना में प्रयुक्त मोबाइल व मोटरसाइकिल किया बरामद, सीओ कैंट श्याम देवबिंद ने किया खुलासा। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद व SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने आगामी त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए शहर के संभ्रांत नागरिकों के साथ की पीस कमेटी की मीटिंग, कहा त्योहार में खलल डालने वालों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्यवाही। अवैध असलहे के दम पर विभिन्न लोगों से लूट करने वाले 3 अभियुक्तों को गुलरिहा पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 देसी तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 1 लूट का मोबाइल व पर्स, 17,250 रुपए नगद किया बरामद, SP नॉर्थ ने किया खुलासा। सोमवारी जाम और महानगर को जाम के झाम से मुक्ति दिलाने के लिए लगाए गए ITMS इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के कंट्रोल रूम का ADG जोन अखिल कुमार ने किया औचक निरीक्षण, कहा ITMS के बारे में लोगों को किया जाए जागरूक ताकि ट्रैफिक नियमों का हो सके पालन। नगर निगम व पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने अपर SDM सदर अनुपम मिश्रा के नेतृत्व में गणेश चौराहा से लेकर विश्वविद्यालय चौराहा तक दुकानों के सामने किए गए अतिक्रमण को अभियान चलाकर करवाया खाली, कहा दोबारा अतिक्रमण करने वाले दुकानदार के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्यवाही। ग्यारहवीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एवं DDMA के संयुक्त तत्वाधान में राप्ती नदी के तट पर एक दिवसीय बाढ़ आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यशाला का किया गया आयोजन, आपदा सखी एवं आपदा मित्रों को किया गया प्रशिक्षित, कहा संबंधित सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करें तो परिणाम होगा अच्छा। व्यापारी बंधुओं के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कलेक्ट्रेट सभागार में की बैठक, जाना व्यापारियों से उनकी और महानगर की समस्याओं को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। हेल्थ
हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड में गोरखपुर को पूरे यूपी में मिला दूसरा स्थान। सीएमओ ने कहा प्रयास रहेगा कि अगले माह जनपद आए प्रथम स्थान पर। नागरिक सुरक्षा कोर के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कलेक्ट्रेट सभागार में की बैठक। कहा 29 अप्रैल को ब्लैक आउट मॉक ड्रिल का आयोजन कर किया जाएगा युद्ध अभ्यास। और 25 अप्रैल से आईसीएसई एवं सीबीएसई बोर्ड की क्लास 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं हुई शुरू। परीक्षार्थी छात्राओं ने कहा नहीं करना पड़ा किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना, पेपर हुआ बहुत ही अच्छा। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।